लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ना समझे सामान्य समस्या। बहुत सारे डॉक्टरों ने पाया 30% से ज्यादा बीमारियों से इसका कनेक्शन। तो क्या कनेक्शन है, कौन कौन सी बीमारियों से कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आमतौर पर लोग एक सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर आमतौर पर जोखिम भी दो गुना हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रियाएं देना बंद कर देती हैं। यही कारण है कि ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहद खतरनाक स्थिति है। इससे पीड़ित व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस 30 से ज्यादा बीमारियों का कारण। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से घातक साबित होता है। हाल ही में स्पेन में डायबिटीज के एक एनुअल मीटिंग के दौरान एक स्टडी पेश की गई, जिसमें डॉक्टर्स ने 30% 30 से भी ज्यादा बीमारियों से इंसुलिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन पाया है। चीन के सांगडोंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा इस स्टडी में यूके बायोबैक से 4,29,000 लोगों का डेटा लिया गया। कई सालों तक चली स्टडी में पाया कि जिन लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंट हाई था, उनमें 26 बीमारियों का जोखिम देखा गया। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने पाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का कुल 31 बीमारियों से सीधा कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ी समस्याओं का जोखिम 18% और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैनक्रियाज का खतरा 8% से 8% और 31% तक रहा। इसके साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस में गाउट होने का खतरा 65% तक ज्यादा रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर व्यक्ति को साइट का होने का जोखिम भी 10% तक रहता है। ऐसे में रीनल फेलियर और हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार करने के लिए क्या करें? इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार करने के लिए आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्ट्रेस कम करने के अलावा नियमित तौर पर एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे में अपने वजन का ध्यान रखें, वजन ना बढ़ने दें, इसलिए आपको अपने कार्ब्स की मात्रा कम करने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।